हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। 80s और 90s की हिंदी फिल्मों में तीन ऐसे बेहतरीन अदाकार थे जो आपको हंसने पर मजबूर कर दिया करते थे। किसी भी फिल्म में उनका चेहरा देखते ही दिल खुश हो जाया करता था। मगर क्या आपको पता है कि अपनी कॉमेडी से बड़े बड़े एक्टरों पर भारी पड़ने वाले इन तीन महान कलाकारों के साथ क्या हुआ था? ये तीनों अचानक कहाँ चले गए? चलिए आज इन तीनों के फिल्मों में आने की कहानी से लेकर इनके साथ क्या हुआ था ये पूरी जानकारी देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस बेमिसाल अदाकार की जो कभी कॉमेडियन बनकर लोटपोट कर देता तो कभी विलेन बनकर नफरत भर देता, हरीश पटेल। वही मिथुन चक्रवर्ती की गुंडा फिल्म का ईबू हटेला। 5 जुलाई 1953 को बंबई में पैदा हुए थे एक्टर हरीश। बचपन से बहुत कुछ बनने की सोची मगर अभिनेता नहीं, लेकिन किस्मत ने ऐसी पलटी मारी कि बॉलीवुड पहुंच गए। चलिए ये दिलचस्प किस्सा सुनाते हैं। हरीश जब छोटे थे तो डॉक्टर को देख लेते तो डॉक्टर बनने की सोचते, रेडियो में रफी के गीत सुन लेते तो गायक बनने की ठान लिया करते। भारत चीन युद्ध हुआ तो फौजी बनने का फैसला कर लिया, मगर नसीब कहीं और ले आया। बचपन से फिल्में देखने का बड़ा शौक था, खासकर शशि कपूर की फिल्में जरूर देखा करते। मोहल्ले की रामलीलाओं में थोड़ी बहुत एक्टिंग किया करते। बनना चाहते हनुमान मगर बनाए जाते सीता। खैर, 12वीं पास कर जब मुंबई यूनिवर्सिटी पहुंचे तब एक मजेदार घटना हुई। पहले दिन जब कॉलेज पहुंचे और अपने क्लास की सीट पर बैठे तो बगल में एक युवक बैठा था। वो उनको गौर से देख कर बोला, प्ले में काम करोगे? हरीश ने फौरन जवाब दिया, क्यों नहीं, बिल्कुल करूंगा। वो युवक ही बाद में मशहूर डायरेक्टर शंकर नाग के नाम से मशहूर हुआ, जिन्होंने मालगुड़ी डेज भी बनाया था। खैर, शंकर नाग के नाटक में हरीश पटेल ने ऐसा अभिनय किया कि सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड भी जीत गए। इसके बाद तो पूरे 3 साल तक यूनिवर्सिटी में वो बेस्ट एक्टर बनते रहे। यहीं से उनकी किस्मत खुल गई। 1981-82 की बात है, वो एक बार किसी नाटक में अभिनय कर रहे थे। इत्तफाक से प्रसिद्ध निर्देशक श्याम बेनेगल वहां मौजूद थे। उनके अभिनय का दम पहचान गए और अपनी फिल्म में रोल दे दिया। 1983 में फिल्म आई मंडी। इसी फिल्म से उन्होंने पहली बार बॉलीवुड में कदम रखा था। इसी दौरान उनकी किस्मत ने फिर साथ दिया और शशि कपूर ने उनको एक्टिंग करते देखा तो अपनी फिल्म में रोल ऑफर कर दिया। वो फिल्म 1984 में रिलीज हुई, नाम था उत्सव, और हरीश मैत्रेय की भूमिका में नजर आए। बस यहीं से उनके करियर की गाड़ी चल पड़ी। फिर तो ऐसे ऐसे रोल किए कि चरित्र अभिनेता के रूप में मशहूर हो गए। चाहे मैंने प्यार किया का रहीम हो या शोला और शबनम में गुलशन ग्रोवर का साला वेलजी, कौन भूलेगा उनका अंदाज अपना अपना में सराय के मैनेजर वाला रोल। किसे याद नहीं होगा सनी देओल की घातक फिल्म में कात्या के साले बने हरीश, गंभीर माहौल में उनका एक एक डायलॉग हंसा दिया करता। गुंडा का ईबू हटेला तो ऐसा किरदार था जो नई पीढ़ी के आगे इनका नाम ही बन गया। मगर दोस्तों, आपको पता है इनके साथ क्या हुआ था? 90 का दशक खत्म होते होते इतना बेमिसाल एक्टर कहां गायब हो गया था? असल में इस बेजोड़ अभिनेता को 90 का दशक खत्म होते होते काम मिलना ही कम हो गया। इससे भी बड़ी बात थी कि इनको वो इज्जत नहीं दी जाती जो इनको मिलनी चाहिए थी। हरीश वो एक्टर थे जिनकी पृथ्वी थिएटर में एक्टिंग देखकर शशि कपूर हाथ जोड़कर आए थे और कहा था कि हरीश जी, क्या आप मेरी फिल्म उत्सव में एक्टिंग करेंगे? इतने महान एक्टर के साथ नए नए आए कास्टिंग डायरेक्टर बदसलूकी करते, उनका ऑडिशन लेते और बिना बताए ही रिजेक्ट कर देते। फिल्मों के डायरेक्टर प्रोड्यूसरों ने भी इनको इज्जत देनी बंद कर दी थी। इसी वजह से हरीश जी ने साल 2004 के बाद बॉलीवुड में काम करना ही करीब करीब बंद कर दिया और वो गुमनाम से हो गए। हरीश दिखना बंद हुए तो कुछ लोग उनको मरा हुआ समझने लगे। मगर हरीश पटेल हीरा थे और उनको चमकना ही था। 17 साल बाद पूरा बॉलीवुड उस वक्त हैरान हो गया जब हॉलीवुड की एक फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ। मार्वल स्टूडियो की फिल्म एटर्नल्स में हरीश पटेल को देखकर बड़े बड़े फिल्म मेकर हैरान रह गए। किसी भारतीय के लिए मार्वल की फिल्म में एक्टिंग करना सपना सच होने जैसा था। जिसे बॉलीवुड वाले बेकार समझने लगे थे उसे हॉलीवुड वालों ने पहचान लिया था। अचानक से हरीश पटेल के फोन नंबर तलाशे जाने लगे और बॉलीवुड वालों ने दोबारा उनको ऑफरों की झड़ी लगा दी।
मगर बॉलीवुड वालों के व्यवहार से आहत हरीश अब विदेशी फिल्म में ही काम करते हैं। उनका बॉलीवुड से मन ही उठ चुका है। वो अब लंदन में रहते हैं, परिवार भी विदेश में सेटल हो गया है। दूसरा अदाकार तो 90s की फिल्मों की जान हुआ करता था, नाम था दिनयार कॉन्ट्रैक्टर। फिल्मों में गाना गाते हुए डायलॉग बोलने का उनका अंदाज दर्शकों की हंसी निकाल दिया करता था। कभी डॉक्टर तो कभी प्रिंसिपल के रोल में क्या बेजोड़ एक्टिंग करते थे दिनयार। 23 जनवरी 1941 को गुजराती पारसी परिवार में उनका जन्म हुआ था। बचपन से ही एक्टर बनना चाहते थे, इसी वजह से वो स्कूल के जमाने से ही नाटकों में अभिनय करने लगे थे। पहली बार किस्मत तब चमकी जब DD2 मुंबई लॉन्च हुआ और दिनयार को एक गुजराती शो मिल गया। बस इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बॉलीवुड में उनकी पहचान 1992 में बनी जब अब्बास मस्तान अक्षय कुमार के साथ फिल्म बनाने जा रहे थे। इस फिल्म में एक मजाकिया प्रिंसिपल का रोल था जो गाना गाते गाते बात करता था। इस रोल में दिनयार फिट हो गए और उनको वो किरदार मिल गया। 1992 में फिल्म आई खिलाड़ी जो सुपर हिट हो गई और दिनयार के रोल ने खूब लोटपोट किया। खासकर उनका आंख मारने वाला सीन तो बड़ा मजेदार था। दिनयार ने गाते गाते डायलॉग बोलने की जो शैली विकसित की थी वो लाजवाब थी। शाहरुख खान की बादशाह फिल्म में कसिनो के मैनेजर वाला किरदार भी बड़ा यादगार था। इस फिल्म में तो दिनयार जॉनी लीवर जैसे कॉमेडियन पर भी भारी पड़ गए थे। इसके अलावा चोरी चोरी चुपके चुपके में होटल के जनरल मैनेजर वाला किरदार हो या 36 चाइना टाउन में मिस्टर लोबो का रोल जो बड़ा राज छिपाए रहता है, वहीं दरार फिल्म में प्रॉपर्टी डीलर बने दिनयार को भला कौन भूल सकता है। दिनयार टीवी पर भी खूब हंसाया करते थे। 90s के हर दूसरे सीरियल में दिनयार नजर आते थे। हम सब एक हैं सीरियल हो या 2 और 2 5 या फिर दिल विल प्यार व्यार, इस अभिनेता ने लोगों का भरपूर मनोरंजन किया। खिचड़ी में भी वो खूब हंसाया करते थे। बाद में दिनयार तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो में भी गुदगुदाने लगे थे। मगर दोस्तों दिनयार की मौत हो चुकी है। जी हाँ, वो बहुत लंबे समय से बीमार चल रहे थे। साल दर साल गुजरने पर हालत और बिगड़ती जा रही थी। आखिरी समय में तो वो चल तक नहीं पाते थे और सालों से व्हीलचेयर पर ही थे। 5 जून 2019 को उनकी मौत हो गई। हैरानी की बात ये है कि बॉलीवुड को 53 साल देने वाले इस महान अभिनेता के अंतिम संस्कार पर कोई बड़ा सेलिब्रिटी नहीं पहुंचा था। तीसरा अभिनेता तो ऐसा था जिसके बगैर 90 के दशक की हिंदी फिल्में ही अधूरी लगा करती थीं। कॉमेडियन दिनेश हिंगू, वो बेमिसाल अदाकार जिनको देखकर जॉनी लीवर जैसे दिग्गज ने कॉमेडी करनी सीखी, जिनको देखते ही जॉनी हाथ जोड़कर खड़े हो जाया करते थे। जिस तरह दिनयार कॉन्ट्रैक्टर का गाना गाकर डायलॉग बोलने का अलग अंदाज था, वैसे ही हिंगू जी की सिर्फ हंसी ही सारा मजमा लूट लिया करती थी। डायलॉग की तो जरूरत ही ना होती। 13 अप्रैल 1940 के दिन बड़ौदा गुजरात में जन्मे दिनेश हिंगू का असली नाम दिनेश हिंगोरानी था। वो शुरू से ही एक्टिंग को खूब पसंद किया करते। स्कूल के जमाने से ही नाटकों में खूब हिस्सा लेते, फिल्मों के बड़े शौकीन। मगर ये जितने सिनेमा के चाहने वाले, परिवार उतना ही फिल्मों के खिलाफ। अब क्या किया जाए। 1962-63 की बात है, 22-23 साल की उम्र में हीरो बनने का सपना लिए घर से ही भाग निकले और पहुंच गए सपनों की नगरी बंबई। लेकिन पता लग गया कि हीरो बनना इतना आसान नहीं, इसलिए वहां सबसे पहले गुजराती नाटक कंपनी में शामिल हो गए। यहां थिएटर करते करते संजीव कुमार से दोस्ती हुई, थोड़ी जान पहचान हुई तो किस्मत साथ दे गई। इनके भीतर एक हुनर था दूसरों की आवाजें निकालने का। बस उस दौर के मशहूर संगीतकार कल्याण जी आनंद जी की टीम में रख लिए गए। अब किशोर और रफी जैसे दिग्गजों के साथ शो करने लगे। इनका काम था गीतों का प्रोग्राम शुरू होने से पहले मिमिक्री करके लोगों का मनोरंजन करना। 1967 की बात है, राजश्री प्रोडक्शन वालों ने फिल्म बनाई तकदीर। इस फिल्म में दिनेश को भी पहला ब्रेक मिल गया। रोल विलेन का था लेकिन हिंगू की पहचान नहीं बनी। वैसे तो कोरा कागज फिल्म में छोटे से रोल में हिंगू जी ने शानदार काम किया था, लेकिन उनकी पहचान बनी 1978 में आई नसबंदी फिल्म से। राजेंद्र नाथ और जौहर जैसे दिग्गजों के बीच दिनेश हिंगू की शानदार कॉमेडी ने उनकी पहचान बना दी। इसके बाद तो दिनेश हिंगू को लगातार फिल्में मिलती गईं।
1989 में फिल्म आई जैसी करनी वैसी भरनी। असरानी और दिनेश जी का सीन जब हिंगू अजीब सी हंसी हंसकर लोटपोट कर देते हैं, बस इसी हंसी ने 90 के दशक में उनको भीड़ से अलग कर दिया। हिंगू ने ये हंसी एक राइटर को देखकर सीखी थी। कमाल की बात है, उनको डायरेक्टर बस सीन बताया करते, बाकी उनकी हंसी से लेकर डायलॉग उनके ही होते। 1993 में बाजीगर फिल्म में जॉनी लिवर और दिनेश हिंगू का बिना पत्ती की चाय वाला सीन भला कौन भूल सकता है। इस सीन में भी उनकी खास हंसी पूरी फिल्म का यादगार लम्हा बन गई। पूरा 90 का दशक दिनेश हिंगू का ही रहा, ऐसा कोई साल नहीं जब उनकी 10 से 12 फिल्में ना आती हों। मगर साल 2000 के बाद अचानक वो गायब हो गए। असल में साल 2000 के बाद उनकी सेहत बिगड़ने लग गई और धीरे धीरे उनके शरीर ने साथ देना छोड़ दिया। मजबूरी में उनको फिल्मों से किनारा करना पड़ा। कभी हर दूसरी फिल्म में नजर आने वाला ये महान अभिनेता पिछले 20 सालों में शायद ही 6 या 7 फिल्मों में नजर आया हो। 2005 में आई नो एंट्री में डॉक्टर का किरदार ही उनका आखिरी यादगार किरदार रहा। दिनेश हिंगू की सेहत अब ठीक नहीं रहती, वो परिवार के साथ मुंबई में रहते हैं। फिल्मों से नाता पूरी तरह टूट चुका है और बस वो याद बनकर अब भी दिल के किसी कोने में जगह बनाए हुए हैं। दोस्तों, आपको तीनों में कौन कलाकार सबसे ज्यादा पसंद आया करता था? इन तीनों में किसी अभिनेता की कोई फिल्म या किरदार आपको पसंद आया हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।